सो हाय फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर का थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर हम लोग ने क्या सीखा था? तो लास्ट लेक्चर सीखा था फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स कौन प्रिपेयर करता है? तो फाइनेंशियल अकाउंट हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। एंड कॉस्ट अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है? तो कॉस्ट अकाउंट हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, ठीक है। और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो गए, इसलिए प्रॉफिट एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटेंट कभी भी मैच नहीं होता, इसलिए हम लोग को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मीन्स ओनली वन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ओनली वन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर। एंड नॉन इंटीग्रेटेड मतलब टू सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज प्रिपेयर। एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम, तो इंटीग्रेटेड में इंटीग्रेटेड मतलब ओनली वन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर, जिसमें फाइनेंशियल एज वेल एज कॉस्टिंग ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब टू सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए अलग से एंड कॉस्ट ट्रांजेक्शन के लिए अलग से। और फिर लास्ट लेक्चर फ्रेंड्स हम लोग ने सीखा था कि टोटल कितने अकाउंट्स बनाने हैं। टोटल 12 अकाउंट्स है। एक बार हम लोग फटाफट उसके नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्टोर अकाउंट, WIP अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट, वेज कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स अकाउंट, कॉस्टिंग P&L एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, ये था हमारा लास्ट लेक्चर जो हम लोग ने कवर किया था फ्रेंड्स। तो अभी देख लेते हैं कि टोटल ये वाले इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग ने टोटल 12 अकाउंट्स सीखे थे ना, वो 12 अकाउंट्स को हम लोग को जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ओके, तो जर्नल एंट्रीज कैसे होगी, तो ध्यान से सुनना। अगर हम लोग ने कोई मटेरियल परचेस किया, तो जर्नल एंट्री कैसे होगा? स्टोर अकाउंट डेबिट टू GLA, ठीक है। GLA मीन्स सस्पेंस अकाउंट होता है, बिकॉज कॉस्ट अकाउंट जब अपना रिकॉर्ड प्रिपेयर करता है, अपना रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, तब उसको कैश एंड बैंक का कुछ भी लेना देना नहीं होता। उसके बाद ये नहीं पता होता कि उसके पास कितना कैश है या फिर कितना बैंक का बैलेंस है। तो इसीलिए वो एक सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करता है, जिसको बोलते हैं GLA अकाउंट, ठीक है। तो व्हेनेवर वी परचेज एनी मटेरियल, तो हम लोग एंट्री कैसे पास करेंगे? स्टोर अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट। और ध्यान रहे, फिर ये जो स्टोर है, ये स्टोर में से स्टोर देगा WIP को, स्टोर देगा फिनिश गुड्स को, स्टोर देगा ONA को एंड स्टोर देगा SND को। मतलब ये सर क्या देना क्या होता है? तो जब भी मटेरियल परचेस करेंगे तो मटेरियल सबसे पहले आएगा स्टोर में, फिर स्टोर से किसको जाएगा? WIP, FOH, ONA और SND। क्वेश्चन में हम लोग को जिस तरीके से बोला होगा उस तरीके से हम लोग एंट्री पास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट GLA, वेज कंट्रोल मतलब जब भी वेज कंट्रोल वेजेस पे करेंगे ना, तो एंट्री विल बी वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA, ठीक है। उसके बाद जब भी हम लोग वेजेस का एंट्री होगा, तो वेजेस के एंट्री के बाद हम लोग उसको दो क्वेश्चन पूछेंगे, क्या ये डायरेक्ट है या क्या ये इनडायरेक्ट है। जब भी वेजेस पे करेंगे तो दो एंट्री आएगी, सबसे पहले वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA, उसके बाद उसको क्वेश्चन करेंगे क्या ये डायरेक्ट है। इफ डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कौन एब्जॉर्ब करेगा? WIP। डायरेक्ट वेजेस कौन एब्जॉर्ब करेगा? WIP। और इनडायरेक्ट वेजेस कौन एब्जॉर्ब करेगा? FOH। ओके, नेक्स्ट जो है फैक्ट्री ओवरहेड, जब भी फैक्ट्री ओवरहेड का कोई खर्चा होगा, तो एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू GLA, ठीक है। नॉर्मली हम लोग एंट्री कैसे पास करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश, बट कैश तो हम लोग नहीं लिख सकते, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटेंट को कैश के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उसकी जगह पे हम लोग कौन सा अकाउंट लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट, और वो सस्पेंस अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? GLA अकाउंट। तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू GLA, ठीक है। अभी ये फैक्ट्री ओवरहेड का जो भी खर्चा है विल बी एब्जॉर्ब बाय हुम? WIP, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड को जितना भी खर्चा होगा वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? WIP। नेक्स्ट ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड है, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड का खर्चा अगर होगा तो कैसे एंट्री पास करेंगे? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू GLA, ठीक है। और ऑफिस एंड एडमिन जितना भी खर्चा होगा वो एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो एब्जॉर्ब बाय फिनिश गुड्स, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिन का जो भी खर्चा होगा सबसे पहले पे होगा और उसके बाद वो एब्जॉर्ब कौन कर लेगा? फिनिश गुड्स। ओके, जब एब्जॉर्प्शन का एंट्री कैसे होता है सर? तो जब भी फिनिश गुड्स ऑफिस एंड एडमिन को एब्जॉर्ब करेगा
तो एंट्री विल बी फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। अगर सर WIP एब्जॉर्ब करेगा फैक्ट्री को तो एंट्री क्या होगा, तो एंट्री विल बी WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। फ्रेंड यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट SND सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का जो खर्चा होगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू GLA, ठीक है। नेक्स्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो उसको एब्जॉर्ब करेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो एंट्री विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन शॉर्ट क्या करना है, जहां जहां हम लोग को कैश अकाउंट दिखे या हम लोग को ऐसा लगे कि कैश अकाउंट क्रेडिट होगा या फिर कैश अकाउंट डेबिट होगा, वो हम लोग कहां लिख देंगे, GLA अकाउंट में। फ्रेंड एक बार वापिस से, परचेस किया तो स्टोर टू GLA, वेजेस पे किया तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू GLA, फैक्ट्री का खर्चा पे किया तो फैक्ट्री अकाउंट डेबिट टू GLA, ऑफिस का खर्चा किया तो ऑफिस टू GLA, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा किया तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू GLA, ठीक है। और सिक्स वाला क्या है, तो सिक्स वाला देख लेते। सबसे पहले हम लोग स्टोर अकाउंट क्लोज करेंगे, फिर WIP करेंगे, फिर फिनिश गुड्स FOH ONA सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, COGS को क्लोज करके COGS को ट्रांसफर करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्लोज करके कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो भी अमाउंट आएगा वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे सेल्स में, ओके। एंड फिर सेल्स का जो भी अमाउंट आएगा हम लोग कॉस्टिंग PNL में ट्रांसफर करेंगे, एंड कॉस्टिंग PNL जाएगा एंडिंग में GLA अकाउंट में, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हो गया जो हमारा जर्नल एंट्री का एक डायग्राम है। अभी देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज एक्चुअली कैसे लिखा जाएगा और किस तरीके से एग्जाम में उसके क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। तो सबसे पहले क्या होता है, सी फॉर एग्जांपल मटेरियल परचेज, पहला एंट्री क्या है मटेरियल परचेज। तो मटेरियल परचेज का एंट्री क्या होगा, मटेरियल अगर हम लोग ने परचेज किया तो मटेरियल बिजनेस में आया, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA मतलब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। स्टोर बिजनेस में आया, मटेरियल आया, मतलब सबसे पहले कहां आएगा वो मटेरियल में, मटेरियल मींस स्टोर अकाउंट, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट। नेक्स्ट वही अगर मटेरियल मैंने रिटर्न कर दिया, जो मैंने परचेज किया था मटेरियल वो मैंने रिटर्न कर दिया, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगा GLA अकाउंट मतलब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट ये जो मटेरियल मैंने परचेज किया वो मैं इश्यू करूंगा, ठीक है। तो मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, हम लोग ने जो क्या किया, जो हम लोग ने मटेरियल परचेज किया था वो परचेज करने के बाद हम लोग ने किसको इश्यू किया, प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मींस WIP। तो एंट्री विल बी WIP में वो मटेरियल आएगा, तो एंट्री विल बी WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ओके। नेक्स्ट अभी वो मटेरियल WIP को इश्यू किया, नेक्स्ट एंट्री है मटेरियल इश्यूड टू ओवरहेड्स, ठीक है। तो कोई भी ओवरहेड्स हो सकता है, फैक्ट्री ओवरहेड हो सकता है, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो सकता है। तो कैसे एंट्री पास करेंगे, FOH ONA SND अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर, मतलब स्टोर से अगर वो जा रहा है तो स्टोर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ओके। उसके बाद आता है फ्रेंड्स वेजेस पेड। जब भी वेजेस पे होगा तो हम लोग दो एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट सबसे पे करने वाला, तो पे करने वाला एंट्री क्या होगा देखिए, तो पे करने वाला एंट्री होगा वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA, ठीक है। नॉर्मली हम लोग वेजेस पे करेंगे तो एंट्री क्या पास करते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बट यहां हम लोग कैश अकाउंट तो नहीं लिख सकते, तो हम लोग कौन सा अकाउंट लिखेंगे, GLA अकाउंट। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट, ठीक है। जब भी हम लोग वेजेस पे करेंगे ना, उसके बाद उसको दो क्वेश्चन पूछेंगे, क्या ये डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट वेजेस है तो डायरेक्ट वेजेस को एब्जॉर्ब कौन करेगा या फिर एलोकेट कौन करेगा, तो डायरेक्ट वेजेस कौन लेकर जाएगा, WIP। तो एंट्री विल बी WIP अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अगर ये क्या होगा, डायरेक्ट होगा। अगर इनडायरेक्ट होगा वो वेजेस, तो इनडायरेक्ट को कौन एलोकेट करेगा, तो इनडायरेक्ट कौन लेकर जाएगा, तो इनडायरेक्ट को लेकर जाता है फैक्ट्री। तो एंट्री विल बी फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो किस तरीके से देखा, तो जब भी वेजेस पे करेंगे तो हम लोग दो एंट्री पास करेंगे, ठीक है। पहला तो पे करने का, ठीक है, पे करने का एंट्री क्या होगा, वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA, और उसके बाद उसको क्वेश्चन पूछेगा क्या ये डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट होगा तो एंट्री हम लोग सेकेंड वाला कौन सा पास करेंगे, WIP अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल। अगर इनडायरेक्ट है तो
तो इनडायरेक्ट है तो वो कौन लेकर जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, तो एंट्री विल बी फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल। क्या सर जब भी वेजेस पे होगी तभी ये दो कंपलसरी एंट्री पास करनी पड़ेगी? यस, पहला एंट्री तो कंपलसरी पास करना होगा, वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएल। उसके बाद उसको क्वेश्चन पूछेंगे क्या ये डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस, फैक्ट्री का खर्चा, तो फैक्ट्री का खर्चा होगा तो सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट, मतलब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। नॉर्मली हम लोग कैसे एंट्री पास करते हैं, तो फैक्ट्री ओवर फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, बट कैश तो हम लोग नहीं लिख सकते, तो हम लोग कौन सा अकाउंट लिखेंगे, जीएलए अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री विल बी ऑफिस का एक्सपेंस होगा, तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अगर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी ध्यान से सुनना फ्रेंड, ये हो गए जो ओवरहेड्स के एक्सपेंस थे वो, मतलब जो भी ओवरहेड्स होगा ओवरहेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जीएलए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी ध्यान से सुनना, जो भी मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का जो खर्चा हुआ है विल बी एब्जॉर्ब बाय डब्ल्यूआईपी, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा एब्जॉर्ब कौन करेगा, डब्ल्यूआईपी। तो उस केस में एंट्री क्या होगा, तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, नेक्स्ट मेरा जो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, फिनिश गुड्स, तो एंट्री क्या होगा, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड लेजर कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स एब्जॉर्ब करेगा, तो एंट्री विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नेक्स्ट सेल्स का एंट्री क्या होगा, तो सेल्स का एंट्री होगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, बहुत सारे ऑथर सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले तो उसका कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड करता है, फिर उसका प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं। अल्टीमेटली आंसर एक ही होता है, मैंने जो आपको एंट्री पास किया है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों का एंट्री पास किया, तो नेट एंट्री क्या होता है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट अभी ये जो हम लोग ने एब्जॉर्ब किया ना, कौन सा, फैक्ट्री ऑफिस एंड सेलिंग, इसमें क्या होता है कभी कभी कुछ अंडर एब्जॉर्ब होता है और कुछ ओवर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एब्जॉर्प्शन, मतलब कम एब्जॉर्ब किया, मतलब मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस हुआ तो कौन सा अकाउंट आएगा, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड्स अकाउंट, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड्स। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो एंट्री विल बी ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, ये वाला एंट्री हमारा एक बच गया था जो हम लोग करेंगे, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, मतलब हमारा जो फिनिश गुड्स है वो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो गया, तो उसका एंट्री क्या आएगा, WIP। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, WIP कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, जो हमारा WIP है फिनिश गुड्स, जो WIP वर्क इन प्रोग्रेस में जो हमारा गुड्स था वो हमारा गुड्स अभी क्या हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, तो फिनिश गुड्स में आएगा, तो एंट्री विल बी फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहां था फ्रेंड्स ये टोटल जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट पार्ट नंबर थ्री, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, और जो हम लोग ने लेजर लेजर अकाउंट ये और ये जो जर्नल एंट्रीज हम लोग ने जो लिखी है वो जर्नल एंट्री के किस तरीके से पोस्टिंग करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर वन एंड पार्ट नंबर टू से रिलेटेड जितनी भी नोट्स है उसके इमेजेस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रहे सब्सक्राइब करना भूलना मत।